नमस्कार। तो चलिए मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम की बात करेंगे। तो नर्मदापुरम जिले के बनापुरम में शासकीय नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 18 विद्यार्थियों से परीक्षा की फीस लेकर भागे चपरासी के मामले की जांच शुरू हो गई है। परीक्षा फॉर्म भरने की लापरवाही के मामले की जांच के लिए संभाग स्तरीय 3 सदस्यीय टीम की गठित की गई है। लोक शिक्षण नर्मदापुरम के संयुक्त संचालक भावना दुबे ने जाँच के आदेश दिए हैं। वहीं जाँच टीम को 15 दिनों के भीतर जाँच कर प्रतिवेदन JD का सौंपना होगा। वहीं इस मामले में आदेश होने के 1 सप्ताह के बाद भी अभी तक सिवनी मालवा थाने FIR नहीं हो पाई है। 10वीं और 12वीं के 18 विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म निरस्त कर दिए गए थे। मामले में जब प्रमुखता से खबर प्रकाशित की गई, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर 5 फरवरी को 10वीं कक्षा के 11 बच्चों ने परीक्षा दी। दरअसल स्कूल में कक्षा 10वीं और 12वीं के प्राइवेट विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म रिजेक्ट होने की बात तब सामने आई जब 2 फरवरी को छात्र अपने प्रवेश पत्र लेने नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचे। वहां उन्हें कहा गया कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। मामले में स्टाफ ने हड़ताल की तो पता चला कि जिस चपरासी को फॉर्म और फीस दी गई थी वह फीस लेकर लापता हो गया। इसके बाद विद्यार्थियों के पालकों ने सिवनी मालवा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। संयुक्त संचालक भावना दुबे ने सोमवार को 3 सदस्यीय समिति गठित करके जांच के आदेश दिए। समिति में उप संचालक ज्योति प्रहलादी, सहायक संचालक इंदु बचले और BEO SS रघुवंशी को रखा गया है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से भी मामले की जांच कराई जा रही है, जिसमें सिवनी मालवा BEO SS रघुवंशी कर रहे हैं।